नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज है 25 दिसंबर 2021। 25 दिसंबर 2021 की जितनी सारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाली हैं हम लोग उसके बारे में ए टू जेड डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर ही देते हैं। पहला सवाल है, भारतीय शटलर की दाम्बी श्रीकांत BWF वर्ल्ड में कौन सा पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। BWF वर्ल्ड में कौन सा पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। BWF में तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, रजत पदक, यानी इसी को बोलते हैं सिल्वर गोल्ड। ओके, अब दूसरा प्रश्न है, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। BBC स्पोर्ट्स, आप लोग इसे याद रखिएगा, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार से आपको एम्मा राडू कौन को जो है कि सम्मानित किया गया है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा BBC स्पोर्ट्स। अब चौथा प्रश्न है, नासा का वेब स्पेस टेलीस्कोप कब लॉन्च होने वाला है या कब लॉन्च होगा। तो 24 दिसंबर को ही, कल ही लॉन्च हो चुका होगा। अब पांचवा जो है कि प्रश्न है, SPNI और झील के विलय के बाद नई कंपनी का CEO कौन होगा। इसका ऑप्शन डी पुनीत गोयन का हो जाएगा जी, इसका आंसर डी पुनीत गोयन का हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। अब छठा प्रश्न है, जनवरी 2022 में होने वाली कौन सी वार्षिक बैठक अब ओमिक्रॉन के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया है। इसका ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा, आर्थिक मंच। जी हाँ, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 को ओमिक्रॉन के प्रकोप पर जारी अनिश्चितता के कारण जो है कि इसे स्थगित कर दिया गया है। 2022 में ये बैठक होने वाली थी। अब सातवां प्रश्न है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की सीमित खेती और कब्जे की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है। इसका ऑप्शन भी माल्टा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, माल्टा संसद में एक वोट के बाद सीमित खेती और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के कब्जे की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। अब आठवां प्रश्न है, SPNI और झील की विलय के बाद नई कंपनी का CEO कौन बनेगा। तो इसका ऑप्शन डी पुनीत गोयन का सही आंसर है। नवा प्रश्न है, ICC अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2022 में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा। तो इसका ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा, यश धूल। भारतीय जूनियर चयन समिति ने ICC अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2022 के लिए भारतीय टीम की घोषणा की है। इसमें यश धूल 2022 अंडर 19 विश्व कप में भारत का नेतृत्व करने वाले हैं, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। दसवां प्रश्न है, सबसे अधिक स्पैम कॉल प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो इसका ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा, फोर्थ स्थान पर रखा गया है। दोस्तों आज के लिए आपका सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमना ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़ दें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।